जयनगर में एक नाबालिग लड़की भटकती मिली, जिसे चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू किया। मिली जानकारी के अनुसार जयनगर में मेन रोड पर संदेहास्पद स्थिति में एक नाबालिग लड़की को ग्रामीण ने देखा तो इसकी सूचना जयनगर थाना पुलिस को दिया गया। इसके बाद बच्ची को जयनगर थाना में लाया गया। तदुपरांत जयनगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने जयनगर चाइल्ड लाइन सब सेंटर को इसकी जानकारी दूरभाष पर दी। इसके बाद चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर की टीम मेंबर थाना पहुंची और जयनगर थाना पुलिस के द्वारा सही सलामत अवस्था में नाबालिग लड़की को चाइल्ड लाइन सब सेंटर कर्मी रंजीता कुमारी को नाबालिग बच्ची को सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर की टीम मेंबर रंजीता कुमारी ने बताया कि युक्त नाबालिग लड़की को सुरक्षा एवं आश्रय प्रदान हेतु बालिका गृह मधुबनी भेजा जा रहा है। बच्ची से पूछने पर इसने अपनी नाम गीता कुमारी, पिता शंभू महतो, उम्र करीब 10 वर्ष, घर कन्हौली, जिला सीतामढ़ी बताई है। साथ ही जयनगर भटक कर आने की बात बताई गई है। कहाँ ले जा रहा है? जयनगर थाना से उनको किया गया है और इसको CWC में प्रस्तुत किए हैं और बालिका गृह में इसको जमा कर दें। कैसे आ गई है जयनगर? ये भटक करके आ गई है, कह रही है कि हमारा घर सीतामढ़ी के नज़दीक है, नाम अपना गीता कुमारी बता रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ तारानंद ठाकुर, चाइल्ड लाइन समन्वयक जयनगर। भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।